चाहते हैं, मुझे क्षमा करना माते, मैं लज्जित हूं मां, आपके समुख दृष्टि उठाने का साहस नहीं हो रहा है मां। यशस्वी रघुपुत्र, पर तुम क्यों लज्जित हो? तुम तो अहिल्या के दुर्भाग्य के कथानक में कहीं हो ही नहीं। माते, मैं भी तो उस समाज का हिस्सा हूं जिस समाज ने आपके ऊपर अपराध किया, आपके ऊपर अत्याचार किया, मैं भी तो उस समाज का अभिनय अंग हूं मां। हाँ, वो तो है, अपने गुरुजी को बाहर ही छोड़ आए। नहीं मां, क्या वे अहिल्या के समक्ष नहीं आएंगे? क्या वो अभी भी अहिल्या को निष्कासित समझते हैं? नहीं मां, ऐसी बात नहीं है मां, गुरुदेव ही हमें यहां लेकर आए हैं मां। लक्ष्मण, गुरुदेव को ले आओ। गुरुदेव, गुरुदेव, देवी अहिल्या, अपराध का प्रतिकार एक बालक करेगा? ये कार्य तो आप ऋषि मुनियों को करना चाहिए था। देवी, मैं तब एक राजकुमार था, भोग विलास दान हिंसा में डूबा हुआ। और शिवध्वज विधेगा जनक, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, और समस्त मुनिगण ऋषिगण, क्या किसी में साहस नहीं था प्रतिकार करने का? तभी आप एक बालक की ओट में छिपकर प्रस्ताव लाए हैं। मुझे विश्वास था देवी, किसके अनुरोध पर आपका मान झुक जाएगा। मैं इक्ष्वाकु कुलवंशी राम, यदि मैं उच्च क्षत्रिय दल का भी वेता हूं, यदि मैं योद्धा हूं, यदि मुझमें समाज को सही दिशा दिखाने का सामर्थ्य है, तो हे पाषाण रूपी अहिल्या मां, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपके ऊपर लगे तीन प्रकार के दोष, लोकाचार, देशाचार, शास्त्राचार, सभी बंधनों से मुक्त करता हूं और आपको एक सामान्य जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता हूं। जिसको यह मान्य है वो मेरे सम्मुख आए। मां, हम सब मात्र मिट्टी के खिलौने हैं मां, आप स्वयं की शक्ति से उठ खड़ी हुई है मां। वो देखो मां, सूखे वृक्षों से कोपले फूटने लगी है मां, पशु पक्षी फिर से चहचाने लगे हैं मां, कुओं के अंदर से फिर से जल आने लगा है मां। सच में तुमने बड़े कष्ट उठाए, सदैव प्राश्चित की अग्नि में जलती रहे, पर प्राश्चित की अग्नि मन का मैल समाप्त कर देती, व्यक्ति को सोने से अधिक शुद्ध, कुंदन से अधिक निर्मल बना देती। गलती मेरी भी, जो मैं सदैव
आश्रम के आदर्शों को विकसित करता रहा और ये भूल गया कि जिसने मेरे साथ जीवन की यात्रा को आरंभ किया उसकी भी अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं होगी। कमी मुझ में ही थी, गृहस्थ पालन मुझे क्षमा कर दे। मुनिराज, अब आप दोनों अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें और आप भी तनिक विश्राम कर लीजिए। हमारे आश्रम में हमें एक मौका दीजिए अतिथेय का। महर्षि गौतम, हमें मिथिला की ओर प्रस्थान करना है। संध्या से पहले हमें वहां पहुंचना है। रास्ता उबड़ खाबड़ है, हमें आज्ञा दें। राम और लक्ष्मण दोनों।